Good morning, viewers. So today we are very lucky to have one of the most eminent endocrinologist and diabetologist of Navi Mumbai, Dr. Mahesh Padsalge. वैसे मैं नवी मुंबई कह के इसको कंस्ट्रेन नहीं करना चाहती बिकॉज इज वन ऑफ द लीडिंग डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ ऑल ओवर इंडिया. सो इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू सर ऑन आर प्लेटफॉर्म ऑफ मेडिचिट चैट. एंड बिफोर हम आपसे बहुत सारी बातें करें डायबिटीज के बारे में, आई वॉन्टेड यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. ओके, गुड मॉर्निंग ऑल. गुड मॉर्निंग Dr. Richa, and Dr. Richa has started a very good series of MediChit Chat, and I'm very happy to be there actually on the platform of MediChit Chat. So I am Dr. Mahesh Padsalge. I have done my MBBS and MD from Mumbai University. Then I did MRCP Endocrinology and Diploma Endocrinology from UK, and I practice in Navi Mumbai at Seawoods. So I practice basically diabetes, thyroid disease, polycystic ovary disease, obesity, and many more endocrinology disorders. Today I am very happy to chit chat or we talk or discuss about diabetes with Dr. Richa. Sir, आप कितने साल का experience हो गया है आपका इस field में? मैं almost अभी 14 साल का मुझे experience. काफी साल हो गए आपको endocrinologist की तरह practice करते हुए. सर, हम लोगों को ये जो हमारा वैसे तो endocrinology बहुत बड़ा फील्ड है, बट आज का हम जो फोकस रख रहे हैं वो डायबिटीज पे है. तो हमको ये जानना था कि किसी भी पर्सन में डायबिटीज क्यों हो जाता है या ये क्या बीमारी है, एक जनरल आदमी क्या समझे डायबिटीज है, मतलब क्या है. सो डायबिटीज एक छोटा, मतलब एक वर्ड डायबिटीज छोटा है बट उसके टाइप्स बहुत ज़्यादा है. तो जैसे समझो कि 100 टाइप के डायबिटीज होते हैं, लेकिन इन जनरल में ये देखना चाहिए कि डायबिटीज मतलब आपने खून के अंदर जब शुगर या ब्लड शुगर बढ़ जाती है नॉर्मल से ज़्यादा, तो उसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं. तो नॉर्मली हम हर एक आदमी के अंदर खून के अंदर शुगर जब हम चेक करते हैं तो फास्टिंग में वो 100 से नीचे होना चाहिए और खाने के बाद 140 से नीचे होना चाहिए. बट ये कभी फास्टिंग 126 के ऊपर गया और खाने के बाद 200 के ऊपर गया, तो उन लोगों को हम डायबिटीज़ बोलते हैं. तो जब धीरे धीरे शुगर बढ़ना चालू हो जाता है तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, मरीजों को, डायबिटीज़ के वजह से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं वो चालू होते हैं. तो इसके लिए हमको डायबिटीज़ को ट्रीट करना है. तो डायबिटीज़ के काफ़ी सारे टाइप हैं, बट बेसिकली डायबिटीज़ के चार टाइप्स हैं. एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चे लोगों में होता है, नॉर्मली 20 साल तक 25 साल तक भी हो सकता है, बट 2 साल के बाद चालू होता है. इन लोगों पर हम लोग इंसुलिन देते हैं. टाइप 2 डायबिटीज़ जो रहता है वो जनरली ओबिसिटी, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग रहना, या 40 साल के बाद उम्र रहना, एक ही जगह पे बैठ के रहना, फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं करना और मोटापा रहना, ये 4-5 जो रिस्क फैक्टर है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं. और ज़्यादातर हमारे इंडिया में टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स ज़्यादा है. तीसरा टाइप है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ होता है, क्योंकि जो लेडी प्रेग्नेंट होने के पहले डायबिटीज़ नहीं होती है, सो प्रेग्नेंट होने के बाद उसके डायबिटोजेनिक हार्मोन्स बढ़ते हैं. अच्छा. और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में डायबिटीज बढ़ जाता है. आजकल तो ये काफी राइज पे भी है ना सर? Yes, मतलब जीडीएम आजकल बड़ा कॉमनली देखा जाता है. बराबर. तो वो एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम लोग इसमें कवर नहीं करेंगे. आने वाले एपिसोड्स में हम आपसे जरूर बहुत कुछ जानेंगे जीडीएम के बारे में. लेकिन सर, ये हम लोग जो आप कह रहे थे कि शुगर बढ़ जाता है, तो शुगर बढ़ने से किसी आम आदमी में क्या तकलीफ होने लगती है, हम इसमें इतना हम लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आपने यदि संशोधन देखा कि डायबिटीज़ पेशेंट को हम इतना सीरियसली क्यों लेना चाहिए, संशोधन ऐसा बताता है कि जब आपको आज डायबिटीज़ हुआ तो आपने आपके उम्र के 6 साल गवाए. अच्छा. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों गवाए, उसके रीज़न है. उसमें से 70% डायबिटिक पेशेंट्स बेसिकली डाई बिकॉज ऑफ कार्डियोस्कुलर डिसऑर्डर्स, लाइक स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है या किडनी फेलियर है, इसके वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं. तो हम डायबिटीज़ जब ट्रीट करते हैं तो हमको आज कुछ तकलीफ है इसके लिए नहीं ट्रीट कर रहे हैं हम लोग. अच्छा. हमको डायबिटीज़ के पेशेंट का उम्र बढ़ाना है. हमको डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ज़िंदगी जीते समय पे खुशी से जीना चाहिए, विदाउट एनी डिसीज जीना चाहिए, इसके लिए हमको डायबिटीज़ को ट्रीट करना है. सर, डायबिटीज़ में देखा जाता है कि ये हर ऑर्गन को एक तरह से इफ़ेक्ट करता है. मतलब डायबिटीज़ जो, और एक तो थोड़ा सा आदमी जिसको भी डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा डिप्रेस भी फील करता है, क्योंकि yes. ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप 6-8 दिन दवा ले लेंगे और ठीक हो जाएगी. तो लाइफ एक थी जो बिफोर डायबिटीज़ डायग्नोसिस के थी, और एक वो लाइफ होगी जो आफ्टर डायबिटीज़ होगी. तो जब कोई भी पर्सन आपके पास पहली बार डायबिटीज़ लेके आता है, तो पहली काउंसलिंग जो है, जो कि
डॉक्टर ने जो भी पहली बार कहा वो कभी कोई भूलता नहीं है। तो आपके पास जब कोई पर्सन पहली बार डायबिटीज डायग्नोज करके आता है, तो आप उनको पहली बार क्या काउंसलिंग करते हैं या उनको क्या चीज़ें बताते हैं जो वो लाइफस्टाइल अपनी बदलें या जो भी है? सो जब पहली बार डायबिटीज़ के पेशेंट हमारे पास आते हैं, सो फर्स्ट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और बहुत बार ये फर्स्ट विजिट में हमको डायबिटीज़ के बारे में एजुकेशन देने की ज़रूरत है। तो डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ को क्यों ट्रीट करना है, डायबिटीज़ कैसे होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं, और इसको ट्रीट करने के लिए हमको आगे कैसे इसके साथ जीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट डरे हुए रहते हैं, उनको किसी को पता रहता है कि डायबिटीज़ की वजह से किसी का पैर काटना पड़ा था, ऐसे काफ़ी सारे बैकग्राउंड में थॉट्स लेके आते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि डायबिटीज़ हो गया तो आपका सब कुछ ख़त्म हो गया। तो बेसिकली हम डायबिटीज़ से एजुकेट होके डायबिटीज़ को अच्छी से तरह से ट्रीट करेंगे। तो बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं कि 25-25 साल से उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसके लिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ क्यों हो रहा है, तो डायबिटीज़ को क्यों ट्रीट करना है। तो बेसिकली जब भी हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है, तो आपने मेरे हाथ में ब्लड शुगर एक ब्लड वेसल है, तो अपने शरीर में खून के अंदर जब शक्कर बढ़ता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। तो हमको पता है पानी में हम लोग हर दिन एक एक चम्मच शक्कर डालेंगे तो पानी का पाक बन जाता है, वैसे ही अपने खून के अंदर जब शक्कर बढ़ती है तो खून गाढ़ा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और अपने शरीर में एथेरोस्क्लेरोसिस नाम का एक बीमारी होता है। ये हर शरीर के नसों में, सर से लेके पैर तक, ये ब्लड वेसल ब्लॉक करने का काम करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमको ये पहचानना है कि डायबिटीज़ हुआ मतलब मुझे मेरे ब्लड वेसल में डिसीज चालू हो गया। तो हम इसको बोलते हैं डायबिटीज़ को, इट इज़ नॉट ओनली अ एंडोक्राइन डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बट इट इज़ अ वास्कुलर सिंड्रोम। तो बेसिकली डायबिटीज़ ये ब्लड वेसल को ब्लॉकिंग करने का ज़्यादा काम करता है। तो उसमें दो टाइप के ब्लड वेसल रहते हैं, जो 6 मिलीमीटर से कम ब्लड वेसल रहती है उसको माइक्रोवास्कुलेचर बोलते हैं हम लोग, 6 मिलीमीटर से ज़्यादा डायमीटर होती है उसको हम लोग मैक्रोवास्कुलर बोलते हैं। तो ये दोनों ब्लड वेसल ब्लॉक होने की वजह से आदमी को पैरालिसिस हो सकता है, आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है, आदमी को ब्लाइंडनेस हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, और पैर के अंदर के नस सूखने की वजह से पैर काटने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये सभी एजुकेशनल जो चीज़ें हैं डायबिटीज़ की हम पेशेंट को बताते हैं। तो बहुत बार पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं तो उनको लगता है कि क्या डायबिटीज़ को करना है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी किसी को हार्ट अटैक आने वाला है कल सुबह, तो आज फोन नहीं आता कि कल आ जाएगा। तो बेसिकली यू हैव टू प्रिवेंट अ मेजर बिगर कॉम्प्लिकेशंस फॉर टुमारो, दैट इज वेरी वेरी। आप डायबिटीज़ का अपने जितना ख्याल रखेंगे, आपने इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस बताए, इनको हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट भी कर सकेंगे। यस यस, प्रिवेंट कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत अच्छी मेडिकेशंस भी आ गई हैं सर। तो मैं ये जानना चाहती थी कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जो कोई पर्सन डायबिटिक है, और कौन से ऐसे नए सिम्टम्स हैं जिनको वो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। डायबिटीज़ डायग्नोसिस के सिम्टम पूछेंगे तो ऑलमोस्ट 70% पेशेंट को सिम्टम नहीं होते। तो बहुत बार हमारे पास प्री ऑप चेकअप, मतलब ऑपरेशन करने के पहले चेकअप करना, या बहुत बार हेल्थ चेकअप्स में डायबिटीज़ खून में ज़्यादा आता है रिपोर्ट्स में। बट कुछ 30% पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिन लोगों को प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा वजन कम होता है, धुंधला सा दिखना चालू होता है, बाद में बहुत वीकनेस आता है शरीर में काम करते समय पे, ये कॉमनली डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं। और किसी का वजन सडनली कम हो रहा है, आपने जो बोला कि कौन सा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, तो इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको बहुत थकान हो रहा है और सडनली वेट लॉस हो गया है 4-5 किलो, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली सर। ये सच है क्या कि आजकल बहुत यंग लोगों में डायबिटीज होने लगा है, मतलब ऐसा कोई सच में, ये इसमें कुछ सच है? ये यंग लोगों में डायबिटीज होने का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि आजकल स्ट्रेस लेवल बढ़ा है। सबसे इम्पॉर्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड काउंटर्स आर वेरी वेरी इजी, इजीली अवेलेबल। हम नीचे जाएंगे तो वड़ा पाव मिलेगा, उसके आगे जाएंगे तो भेलपुरी वाला मिलेगा। तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की वजह से हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, और उसके वजह से सेंट्रल ओबेसिटी होती है, और सेंट्रल ओबेसिटी ये मेन कारण है डायबिटीज़ का, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होना चालू होता है, और धीरे धीरे अपनी स्वादुपिंड जहाँ पे इंसुलिन बनने की ग्रंथि है वो कमज़ोर होती है, और हमारा डायबिटीज चालू होता है। सर एक बड़ा कंसर्न रहता है लोगों में कि जिनके जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, जैसे किसी पिताजी को डायबिटीज़ है या नाना को डायबिटीज़ है, तो ये पेशेंट्स हमेशा, ये लोग ऐसे हमेशा डर में रहते हैं कि इनको भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये ऐसे लोग अपनी डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं क्या, जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़? यस यस, फैमिली हिस्ट्री टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत कॉमन रहती है। तो
बट ये खानदानी बीमारी नहीं है। एक साइड पे बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि ये खानदानी बीमारी है, खानदानी बीमारी नहीं है। बट याद रखना है कि आपके मम्मी डैडी में एक जन डायबिटिक रहेगा तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस 40% है। यदि आपके मम्मी डैडी दोनों भी डायबिटिक है तो आपको 90% चांसेस है कि आप जब 40 ईयर्स क्रॉस करेंगे तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। सो मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको और आपके हस्बैंड या वाइफ को दोनों को डायबिटीज़ है तो आपके बच्चे को डायबिटीज़ 100% होने वाला है। तो उसको पहले दिन से आप मोटापा नहीं होने के लिए जो गेम्स मतलब जो ग्राउंड गेम्स है या एक्सरसाइज है उसके अंदर इंडल्ज करना चाहिए। खाने पे कंट्रोल रखना चाहिए, जो हाई कैलोरी फूड्स जो है, तला हुआ चीज़ है या बहुत स्वीट्स है, ऐसी चीज़ें उनको, या चॉकलेट्स है, बर्गर्स है, ऐसी चीज़ें उनको मतलब बच्चे उनका को नहीं हेल्थ देना चाहिए। कॉन्शियस हेल्थ पहले कॉन्शियस से ही रखेंगे, बना देना यस, चाहिए ताकि बनाना वो चाहिए। इसके हाँ, लिए ये ना यस, हो। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था कि आजकल ये HbA1c हर मतलब आजकल तो ऑटो के पीछे भी लिखा रहता है कि HbA1c कराएं, यस। तो HbA1c एग्जैक्टली क्या है और वो हमको कैसे हेल्प करता है एच बी वन डायबिटीज़ सी ये बहुत अच्छा टेस्ट है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोजिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो बेसिकली ये हीमोग्लोबिन टेस्ट है, बट ये हीमोग्लोबिन नहीं है। तो बहुत लोगों को गलत फहमी होती है कि मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो बेसिकली ये हीमोग्लोबिन नहीं है। तो हमको पता रहना चाहिए कि हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन का और ग्लूकोज का जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा रहता है। तो कोई भी पेशेंट के अंदर, खून के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो ज़्यादा आरबीसी के अंदर के जो हीमोग्लोबिन है ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। तो जब HbA1c का टेस्ट होता है तो उसमें क्या किया जाता है कि कितने हीमोग्लोबिन ग्लूकोज के साथ अटैच है वर्सेस कितने कितने हीमोग्लोबिन अटैच नहीं है, तो इट इज़ अ परसेंटेज। सो बेसिकली हमको समझना ये है कि ये 3 महीने का एवरेज शुगर है HbA1c, ये 3 महीने का एवरेज शुगर है। तो नॉर्मल HbA1c 5.7 के नीचे होता है, 5.8 to 6.4 हम लोग प्री डायबिटिक बोलते हैं, 6.5 एंड अबव जो है उनको हमको डायबिटीज़ बोलना है, और जिन लोगों को डायबिटीज़ हुआ है उन लोगों ने HbA1c 7 और 7 से नीचे रखना है। तो HbA1c ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है, इम्पोर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट डायबिटीज़ में जो है वो HbA1c है, क्योंकि जितने भी अभी तक रिसर्च हुए हैं, जितने भी संशोधन हुए हैं कि डायबिटीज़ आगे चल के तकलीफ देने वाला है कि नहीं देने वाला है, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है कि नहीं आने वाला है, मुझे पैर के अंदर तकलीफ होने वाली है कि नहीं होने वाली है, सब HbA1c के ऊपर है। तो यदि आपने आपका HbA1c 7 और 7 से नीचे रखा तो 99% चांस है कि आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। सर। ये आप आज कोई डायबिटिक पेशेंट आपके पास आता है तो किन फैक्टर्स पे आप डिसाइड करते हैं कि इसको हम लोग सिर्फ टैबलेट पे ही मैनेज करें या इंसुलिन चालू करें? हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक आधा पेशेंट है, समझो मेरे पास आया कि 400 शुगर है और मैंने 10 किलो वजन कम कर दिया और मेरा बहुत मसल वीकनेस हुआ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो इसको हम लोग बेसिकली ऑस्मोटिक सिम्टम बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक सिम्टम बोलते हैं। और ये सिम्टम यदि रहेंगे तो ये हमको बताते हैं कि आपके शरीर में इंसुलिन डेफिशिएंसी है। तो किसी के मसल कमज़ोर है इसका मतलब ये पेशेंट को इंसुलिन की मात्रा उसके शरीर में नहीं बन रही है। तो ऐसा क्यों होता है? किसी का भी डायबिटीज़ धीरे 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 बढ़ने चालू हो गया तो अपनी पैंक्रियाज की जो ग्रंथि है वो काम कर करके थक जाती है और एक दिन में वो एकदम बंद हो जाती है काम करना। तो अपने शरीर में इंसुलिन एकदम बंद तैयार होना बंद होता है तो शुगर एकदम बढ़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में यदि हमने पहले दिन से ही इंसुलिन चालू किया फॉर सम टाइम, इनिशियली फॉर 6 वीक्स, तो जो बचा हुआ पैंक्रियाज है उसको हम और ज़्यादा साल बचा सकते हैं। तो ये सिचुएशन है कि जहाँ पे हम लोग इंसुलिन चालू करते हैं। बट यही पेशेंट समझो जस्ट डायबिटीज़ का लेवल ज़्यादा है, मेरे पास आ गया कि मेरा फास्टिंग शुगर 200 है, खाने के बाद 300 है और मुझे कुछ सिम्टम्स नहीं है, तो दिस पेशेंट डजेंट रिक्वायर इंसुलिन फ्रॉम द डे 1, सो वी गिव मेडिसिन टैबलेट्स टू देम। सो बट बाकी जैसे जैसे टाइप 2 डायबिटीज, जो मेडिसिन पे हम लोग शुरुआत में स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे टैबलेट के डोज बढ़ते हैं, तो बेसिकली टैबलेट के डोज बढ़ रहे इसका मतलब अपने शरीर में जो बीटा सेल्स हैं पैंक्रियाज में जो इंसुलिन बनाने वाले हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे, काम कम कर रहे हैं। तो एक सिचुएशन ऐसा आता है कि अपने शरीर में पैंक्रियाज काम ही नहीं करता है तो करेक्ट जितने भी बाहर से गोली दे दो, तो हम लोग वो सिचुएशन में पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि आपका पैंक्रियाज अभी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग उस सिचुएशन में भी हम इंसुलिन चालू करते हैं। ओके सर, बहुत वैरायटी ऑफ इंसुलिन आ गया है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो वर्ल्ड में कुछ अच्छे एडवांसमेंट्स हैं रिसर्च में, उसमें से एक इंसुलिन है क्योंकि ये तो लाइफ सेविंग यस ड्रग यस है, यस। तो आप इंसुलिन के क्या वैरायटीज एक बेसिक में थोड़े हाँ, में? तो बेसिकली इंसुलिन के टाइप्स रहते हैं, नॉर्मली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो रहता है वो 24 आवर्स काम करता है और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन
तीन घंटा या चार घंटे तक काम करता है। तो इसमें काफ़ी सारे रिसर्च है। रिसर्च ऐसे है कि जब हम लोग इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं हमारे सबक्यूटेनियस फैट में, तो कितने टाइम में वो रिलीज हो जाएगा, इसके ऊपर रिसर्च है। जो शॉर्ट एक्टिंग है वो इमिडिएटली ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, और जो लॉन्ग एक्टिंग है वो वन शॉट इंसुलिन लिया तो भी 24 आवर्स अपने बॉडी में रहता है। तो ये इन लोगों को आगे जो नए इंसुलिन है इनको एनालॉग इंसुलिन बोला जाता है। तो इन लोगों इसके वजह से फ़ायदा एक ही है कि जो इंसुलिन से हमारा डर रहता है कि बहुत ज़्यादा लो शुगर हो जाएगा जो पुराने वाले इंसुलिन के कंपैरिजन में, तो इन लोगों में 50% चांसेस नॉक्चुरल, जो नॉक्चुरल मतलब रात के अंदर शुगर ड्रॉप होने का या हाइपोग्लाइसिमिया लो शुगर होने का चांस नए इंसुलिन में एक्चुअली कम है, बट इसकी कॉस्ट 3 या 4 गुना ज़्यादा है। तो हम डिसाइड करते हैं कि जो पेशेंट गरीब है उनको पुराना वाला इंसुलिन जो 150-200 रुपीज़ में कार्ट्रिज आता है, जो पेशेंट के पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं उनको हम थोड़ा सा अच्छा वाला इंसुलिन देते हैं। सर इंसुलिन पंप भी आ गया है ना, इसके बारे में आपका पर्सनल क्या एडवाइस है? अगर मनी कंस्ट्रेंट ना हो तो, मनी कंस्ट्रेंट ना हो तो इंसुलिन पंप एक बहुत अच्छी थेरेपी है। उसको हम लोग आर्टिफिशियल पैंक्रियास बोलते हैं बेसिकली। तो एकदम छोटी मशीन रहती है, मैं दिखाऊंगा बाद में। तो इंसुलिन पंप जो है वो छोटी मशीन है, आपके जेब में रखने वाली है, रखने का। उसके अंदर इंसुलिन भरा हुआ रहता है और उसके अंदर इंजेक्टर रहता है। वो कंटिन्यूस 24 आवर्स आपके शरीर को इंसुलिन कंटिन्यूस इन्फ्यूज़ किया जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू से। ये हम लोग, मेरे पास एक 25 पेशेंट्स हैं जो इंसुलिन पंप पे आज अच्छा काम कर रहे हैं। तो जनरली ये हम लोग टाइप 1 डायबिटीज जो पेशेंट रहते हैं बच्चे लोग, उन लोगों में प्रमोट, मतलब या जुवेनाइल डायबिटीज जो बच्चे लोगों में जो है उन लोगों को हम एडवाइस करते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक फ़ायदा है कि तुमको डबल 4 बार इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम 4 दिन में एक बार उसका सिर्फ सेट चेंज करने की ज़रूरत है। बट इससे फ़ायदा ये है कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट 20-30% कम होती है, वहाँ पे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। बट बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम HbA1c टारगेट 6.5-7 तक कर सकते हैं उसके वजह से। यानी लेट टर्म कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम हो जाएंगे। इंसुलिन पंप यदि हमने, यदि अफोर्डेबल पेशेंट रहेगा तो हम नॉर्मल आदमी जैसा ही उसका डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एटलीस्ट एक ऑप्शन तो अवेलेबल है। सर अभी हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सन डायबिटिक है वो अपने खान पान का और एक्सरसाइज अपनी मतलब लाइफस्टाइल को कैसे बदले, उसके लिए आपका एडवाइस चाहिए था। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है, जो भी गाइडलाइंस डायबिटीज़ के ट्रीट करने के पूरे वर्ल्ड में है वो सभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी से चालू होते हैं। तो जो भी पेशेंट मेरे पास आया डायबिटीज़ हुआ, तो गाइडलाइन बोलता है कि दवा मत चालू करो, पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन 3 मंथ्स दे दो। तो बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको कैलोरी रिच फूड नहीं खाना है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जब हम खाते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज तैयार होता है। तो बहुत बार हमको लगता है कि शुगर खाने की वजह से शुगर बढ़ती है, ऐसा नहीं होता है। शुगर खाने से शुगर तो बढ़ती है, लेकिन चपाती और राइस खाने की वजह से भी शुगर बढ़ती है, क्योंकि वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो बेसिकली हमको कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कम करना है और धीरे धीरे हमको प्रोटीन्स एंड फाइबर्स का कंटेंट बढ़ाना है। तो नॉर्मली हमारे इंडियन थाली में 70% ऑफ थाली इज एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ नॉट ओनली कि हमारे महाराष्ट्र में, बट ऑल ओवर इंडिया आप यदि देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो ऑलरेडी स्टार स्टडी करके ऑलरेडी एक पब्लिश है हमारे इंडिया में, जहाँ पे चारों, पूरे इंडिया के चारों पांचों कॉर्नर में हर एक पेशेंट की थाली चेक की और उसमें देखा गया कि हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को कम करने के लिए हमको चपाती राइस ये चीज़ों को 50% कम करना है, और हमको स्प्राउट्स को बढ़ाना है वहाँ पे, या वेजिटेबल्स को बढ़ाना है हमको, मतलब काकड़ी टमाटर गाजर ये चीज़ हमको ज़्यादा खाना है बेसिकली। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि हमको राइस खाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, हम राइस भी खाते हैं। राइस और चपाती सेम है, एक बाटी राइस और एक चपाती, उसका कैलोरी काउंटिंग सेम है, बट राइस में, राइस इज अ बेसिकली हाई ग्लाइसेमिक लोड बेसिकली, एकदम राइस खाने की वजह से इमिडिएटली आपकी शुगर बढ़ जाती है। तो हमको राइस खाना है, लेकिन राइस के अंदर राइस का प्रोपोर्शन उतना, काकड़ी टमाटर गाजर उतना ही प्रोपोर्शन, बाद में और उसके अंदर सलाद डाल के दाल डालना और सब्जी डाल के खाना, मतलब राइस का प्रोपोर्शन थोड़ा 50% कम करो और बाकी फाइबर का प्रोपोर्शन डाल के यूज़ कर सकते हो। ये एक चीज़ हो गया डाइट के बारे में। कुछ फ्रूट्स हम लोग खा सकते हैं जिसपे, जो जो फ्रूट्स में बेसिकली डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं होता है, मतलब कौन से फ्रूट्स नहीं खाना है मैं बताऊँगा। बेसिकली आम नहीं खाना चाहिए, अंगूर नहीं खाना चाहिए, उसके बाद चीकू नहीं खाना चाहिए, ऐसे कुछ फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। बट खाने वाले फ्रूट्स में आप पेरू खा सकते हो, बाद में मतलब या अमरूद खा सकते हो,
अमरूद जैसे फ्रूट खा सकते हो, आप एप्पल खा सकते हो, लेकिन ये फ्रूट भी ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट का है, पोर्शन लिमिटेड रखना है। तो क्योंकि फ्रूट्स में भी फ्रुक्टोज है, तो फ्रुक्टोज बॉडी में जाने के बाद उसका भी कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है आगे चल के। दूसरा चीज, एक्सरसाइज करना जरूरी है, 1 घंटा 45 मिनट्स एटलीस्ट, और कोशिश करना कि आपके आजू बाजू में कहाँ पे हील हो गई तो हिल के ऊपर एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना बहुत अच्छा है। अच्छा। जो नॉर्मल प्लेन लेवल से आप हिल एक्सरसाइज कर सकते हो। सीखा मैंने भी। यस, आप हिल एक्सरसाइज, यस आप हिल एक्सरसाइज आपने 45 मिनट्स की तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम है, आपका डायबिटीज कंट्रोल होना भी चांस कम है। सर हमारा एक क्वेश्चन रह गया था कि कोई इंसुलिन ले रहा है या कोई नया बिगिनर है तो वो इंसुलिन लेते समय क्या कोई खास ख्याल रखे? हाँ, इंसुलिन खाने से कुछ उसका रिलेशन रखे? यस, तो बेसिकली इंसुलिन के मैंने जैसे टाइप बताया कि जो लॉन्ग एक्टिंग 24 आवर्स काम करने वाला इंसुलिन और शॉर्ट एक्टिंग जो छोटा छोटा मतलब 3 घंटा काम करने वाला जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है वो खाने से पहले लेना है बेसिकली। सो जो पुराने वाले इंसुलिन थे जो थोड़े से कॉस्ट कम है उनको 45 मिनट्स पहले लेना है, इंजेक्ट करना है और बाद में खाना है। और जो नए इंसुलिन है जो थोड़े से महंगे है उनको इमिडिएटली हम इंजेक्ट करके खाना खा सकते हैं, वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बोलते हैं उसको। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है हम खाने के पहले दे या खाने के बाद दे कुछ मतलब नहीं है, बट टाइम इंपॉर्टेंट है। हम शाम को 10 बजे ले रहे हो तो 10 बजे के आसपास ही लेना है हमको। वो कैसे लेने का, हम पेट के ऊपर लेना है इंसुलिन और नाभि के आजू बाजू में सिर्फ 1 इंच नहीं लेना है। अच्छा। और हर पॉइंट हर दिन अलग अलग पॉइंट पे इंजेक्ट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीडल जरूर चेंज करना है हर 2 दिन के बाद, क्योंकि नीडल भी चेंज नहीं करेंगे तो इंजेक्शन बराबर हमारा डिलीवरी नहीं हो जाएगा। हम पेट के ऊपर ले सकते हैं, थाइस के ऊपर ले सकते हैं, सामने के जगह पे और साइड के जगह पे, लेकिन चेंज करना है। फ्रिज में इंसुलिन ना रखें बेसिकली, फ्रिज के अंदर हम फ्रीजर में इंसुलिन रखेंगे तो प्रोटीन रहता है, इंसुलिन इज अ प्रोटीन। सो व्हेन यू चेंज द उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रोटीन डीनेचर होता है, खराब होता है। तो जो एक्स्ट्रा कार्ट्रिजेस है वो फ्रिज में रखें, वो भी डोर में रखें जहाँ पे वेजिटेबल का कंपार्टमेंट है उसके सामने। और जो जो इंसुलिन के कार्ट्रिज आपका पेन में आपने डाल दिया तो आपको वो बाहर ही रखना है, सिर्फ धूप में नहीं रखना है, क्योंकि नॉर्मली हम इंसुलिन 24 दिन अपने रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, तो हमेशा चेंज करना है इंसुलिन का टेम्परेचर, अच्छा नहीं है। और बस मुझे लगता है ये काफ़ी 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोली मैंने। सर हम लोग को ये जानना था कि अगर कोई पर्सन लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक है तो वो अपने बाकी ऑर्गन्स अच्छे हैं या सही हैं, उनकी क्या स्पेशल ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा और कैसे केयर लेना चाहिए? हाँ, बेसिकली डायबिटीज जब ट्रीट करते हैं हम लोग तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फास्टिंग पीपी चेक करो और मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सभी गाइडलाइंस मतलब अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन या सभी वर्ल्ड के गाइडलाइंस बोलते हैं कि जो भी डायबिटीज़ के 5 कॉम्प्लिकेशन बोले, मैं रिपीट करूँगा, स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस, उसके बाद ब्लाइंडनेस, ओके डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं हम लोग उसको, उसके बाद डायबिटिक के वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, हार्ट डिसीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी डिसीज एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी, फूड डिसीज। सो ये 5 ऑर्गन को हमको हर साल में एक बार स्क्रीन करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली हम लोग एक एक ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। सर के नस को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एंकल ब्रेकियल इंडेक्स करके जो टेस्ट होती है हमारे पास होती है, उसमें हम लोग देखते हैं कि अंदर ब्लड के वेसल का फ्लो कैसा है। पैर के अंदर का फ्लो अच्छा रहेगा तो सर का भी फ्लो अच्छा हो सकता है। उसके बाद में ब्लड वेसल ब्लॉक होती है, मैंने बोला कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल तीनों की वजह से, तो कोलेस्ट्रॉल भी टेस्ट करना जरूरी है, लिपिड प्रोफाइल, जिसमें हमको LDL कोलेस्ट्रॉल देखना है जो 100 से नीचे होना है, नीचे रखना है उसको, तो दूसरा टेस्ट हो गया। आँख के लिए हमको ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट से या फंडस कैमरा से फंडस फोटोग्राफी कर सकते हैं, या ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट से रेटिना एनुअल चेकअप जरूरी है। मैं एनुअल चेकअप के बारे में बात कर रहा हूँ, रेटिना स्कोपी से या फंडस फोटोग्राफी से हम रेटिना देखना चाहिए, जो कि अपनी जो आँख जो रहता है, आँख के पीछे का जो पर्दा है, ये आँख है, आँख के पीछे जो पर्दा है, ये आँख के पीछे के पर्दे में बेसिकली छोटी छोटी ब्लड वेसल है। जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज ब्लड वेसल का बीमारी है, तो ये ब्लड वेसल ब्लॉक होके डायबिटिक के वजह से ब्लाइंडनेस हो सकता है आँख के अंदर, तो वो भी टेस्ट करना है। डायबिटिक हार्ट के लिए बेसिकली बेसिक ECG करते हैं हम लोग, और जो पेशेंट्स को ब्रेथलेसनेस हो रहा है चलने के बाद, तो उन लोगों को हम लोग स्ट्रेस टेस्ट भी करते हैं। स्ट्रेस टेस्ट मतलब हम बिल्ड के ऊपर पेशेंट को दौड़ाते हैं और हम देखते हैं उसकी हार्ट की कंडीशन कैसी है, उसके ब्लड वेसल्स कैसे हो सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स में पैर में सूजन आने के बाद हम लोग 2D को नाम का भी टेस्ट कर सकते हैं हार्ट के लिए। तीसरा बेसिकली डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी से बचने के लिए हम लोग बेसिकली यूरिन अल्बुमिन क्रिएटिनिन करके एक टेस्ट होता है, स्पॉट यूरिन, जब आप यूरिन देंगे तो उसके अंदर कितना प्रोटीन आता है वो हम टेस्ट करके देख सकते हैं, और यदि वो अल्बुमिन आ रहा है तो हम उसको पेशेंट को डायबिटिक किडनी प्रोग्रेशन से बचा सकते हैं। अच्छा।
पैर के अंदर एक हम लोग पेन टच टेम्परेचर टेस्ट करते हैं, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स टेस्ट करते हैं पैर में, बाद में वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट, एक टेस्ट होता है जो हम करते हैं। यहाँ पे हम लोग पेशेंट के पैर के अंदर सेंसेशन कैसे, प्रोटेक्टिव सेंसेशन कैसे है, मतलब ठंडा गर्म, ये पेशेंट को समझ रहा है कि नहीं, पेशेंट को वाइब्रेशन सेंसेस कैसे, पोजीशन सेंस कैसी है, पेशेंट के पैर में कुछ घट्टे हो रहे हैं क्या, कैलस डेवलप हो रहा है क्या, वो हमको देखना है। दोनों उंगली के बीच में हम लोग देखते हैं, इंस्पेक्ट करना चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। तो ऐसे हर साल में एक बार हमको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के बारे में स्क्रीन करने की ज़रूरत है। और सर, अगर कोई डायबिटिक पर्सन है जो इंसुलिन पे है, तो आप उनका फॉलोअप कितने ऑफन करवाते हैं? नॉर्मली कोई भी पेशेंट को हमने हर 10 दिन पे आओ, हर महीने पे आ जाओ बोला, तो पेशेंट को अच्छा नहीं लगता है। तो नॉर्मली मैं मेरे पेशेंट जो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग के ऊपर है या इंसुलिन पे है, और यदि उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आया, तो मैं उसको हर महीने को बुलाता हूँ। अच्छा। जब एक बार वो कंट्रोल हो जाएंगे, तो इंसुलिन पे पेशेंट है, उन्होंने 2 महीने के बाद एक बार दिखाना चाहिए डॉक्टर को। और जो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग के ऊपर है, मतलब ओरल मेडिसिन के ऊपर है, उन लोगों को हर 3 महीने में HbA1c करके हमको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सर, एक क्वेश्चन था कि हम लोगों को जो पर्सन डायबिटिक है उनको सेल्फ ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना चाहिए ना, तो वो आप नॉर्मल क्या प्रोटोकॉल एडवाइस करते हैं कि जो वो घर पे भी थोड़ा अपना मॉनिटरिंग रखे? हाँ, तो बेसिकली किन लोगों के पास ग्लूकोमीटर रहना चाहिए, सिंपल करेक्ट, वो सही था। तो बेसिकली जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, उनके हर एक के पास ग्लूकोमीटर रहना चाहिए, और उन लोगों ने एटलीस्ट 1 in a week 4 times या 7 times इंसुलिन अपना ब्लड टेस्टिंग करना चाहिए। जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, उनके पास भी ग्लूकोमीटर होना चाहिए। और जो पेशेंट्स को सल्फोनिल्यूरेज नाम के ड्रग चालू है, जिसमें ग्लिमेप्राइड है, ग्लिक्लाजाइड है, जो एकदम शुगर ड्रॉप कर सकते हैं, उनके पास भी ग्लूकोमीटर रहने की जरूरत है। तो मतलब वंस ए वीक यदि टेस्टिंग हम करेंगे ये लोगों में, तो हमको हाइपोग्लाइसीमिया से हम बच सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो शुगर नहीं होना चाहिए। किसी को लो शुगर हो रहा है और उसको समझ में नहीं आया, तो धीरे धीरे उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स भी खत्म हो सकते हैं, या हम डायबिटीज की ट्रीटमेंट का आउटकम अच्छा नहीं निकाल सकते। सर, इससे हमको 2 major कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी डिस्कशन करने, मतलब हम लोग यहीं पे कर ले। एक तो हाइपोग्लाइसीमिया, कि किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो क्या सिम्टम होता है। और बेसिकली द अदर वे ऑल्सो, कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो तो क्या हो जाएगा। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन है कि लो शुगर हो गया और हाई शुगर हुआ, मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? करेक्ट, गुड। तो बेसिकली जो पेशेंट डायबिटिक है और उसका लो शुगर हो रहा है, इसका मतलब यू शुड थैंक योर डॉक्टर कि डॉक्टर ने ऐसे कुछ मेडिसिन दिए कि डायबिटीज कम हो रहा है, राइट? बट यू शुड नॉट ब्लेम हिम कि क्या हो गया, नंबर वन। नंबर टू, कि यदि आपका लो शुगर हो रहा है तो हमको कैसे समझेगा? तो 2 type के सिम्टम रहते हैं। एक टाइप बोलते हैं उसको एड्रेनर्जिक सिम्टम, और दूसरे न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम। तो एड्रेनर्जिक सिम्टम जो रहता है, आपका शुगर 70 से नीचे आना चालू होगा, तो सबसे पहले आपको बहुत भूख लगेगी, आप इरिटेबल हो जाएंगे, आपको समझेगा नहीं, आपकी वाइफ बोलेगी कि तुम्हारा स्वभाव चेंज हो गया, आप एग्रेसिव हो रहे हो, तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बाद में आपको स्वेटिंग आना चालू हो जाएगा, उसके बाद ट्रेमर्स आना चालू हो जाएगा, बाद में धीरे धीरे आपको गिडीनेस आना चालू हो जाएगा, कभी कभी आप गिर भी सकते हो, कभी कभी पैरालिसिस का भी एक झटका आ सकता है। तो ऐसे प्रोग्रेसिवली सिम्टम आते हैं। तो बाय एंड लार्ज अच्छा नहीं लगना, बहुत पसीना पसीना आना, थरथरी होना, ये लो शुगर के सिम्टम्स हैं। और ऐसे सिम्टम्स आपको आ गए तो आपको आपकी डायबिटीज़ के मेडिसिन को रुकाना है, बंद करना है, और आपके नेक्स्ट डे में डॉक्टर को जाके पूछना है अभी उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो जब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, आपको सबसे इम्पोर्टेंट किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, पहले ब्लड टेस्ट करना है ग्लूकोमीटर से कि कितना है। यदि पेशेंट कॉन्शियस है तो आपको उसको इमिडिएटली उसके आजू बाजू में जो भी चीज़ मीठा है उसको देना है, और यदि वो अनकॉन्शियस है तो इमिडिएटली हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। बट टेस्टिंग करना जरूरी है किसी को फोन करने के पहले। यदि आपको पता चला कि मेरी शुगर 40 है मेरे पेशेंट की, तो डॉक्टर को फोन करने से पहले तुम उसको बिठा के 2 चम्मच शक्कर डालो, उठ के बैठेगा, और दूसरे दिन पे डॉक्टर को जाके बोलो। तो एक 15-15 का फॉर्मूला रहता है कि 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देना है, 15 मिनट्स के बाद टेस्ट करना है, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देना है, 15 मिनट्स के बाद टेस्ट करना है, जब तक शुगर आपकी 150 तक नहीं जाएगी। और उसके बाद हमको पेशेंट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब अच्छा मील देना है। तो ऐसे हम हाइपोग्लाइसीमिया को बेसिकली ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरे साइड यदि हमारा शुगर बहुत ज़्यादा हुआ कि मतलब 300-400 हो रहा है, तो मुझे कैसा समझेगा? तो नॉर्मली कुछ पेशेंट्स, मतलब मेरे दोस्त भी हैं कुछ डॉक्टर्स, उन लोगों को इंसुलिन चालू है, टैबलेट चालू है, तो उनको पूछा कि आपका शुगर कितना है, 300। तो बहुत डॉक्टर्स पेशेंट आल्सो एंड पेशेंट भी, उनको ऐसा लगता है कि 300 शुगर नॉर्मल है। तो इनका मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर के लेवल पर रहने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सालों से, उनको कुछ नहीं होता है 300-400 शुगर होने के बाद।
बट सडनली जो 200 का है उसका 400 हो गया तो उसको थोड़ा गिडीनेस आ सकता है, उसको थकान हो सकता है, उसका माउथ ड्राइनेस हो सकता है, मतलब उसको प्यास लग सकती है, उसको मतलब आँख में दिखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, बहुत थकान आ जाएगा, तो ये ज़्यादा शुगर के सिम्टम्स है। तो डायबिटिक के पेशेंट ने कुछ भी सिम्टम आ गया, लो शुगर या हाई शुगर, सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लूकोमीटर लेके शुगर टेस्ट करना है और हमको देखना है कि अपना नॉर्मल शुगर है कि नहीं, और यदि 100 और 200 के बीच में है तो समझ लो कि वो डायबिटीज़ की वजह से आपके सिम्टम्स नहीं है। सर ये सवाल थोड़ा सा रूटीन से हट के, कि बहुत बार डायबिटिक पेशेंट्स को सेक्सुअल डिसफंक्शन के साथ आते हैं, तो इनके लिए आपकी क्या एडवाइस है एक मोटे तौर पे? यस, तो बेसिकली डायबिटीज़ में सेक्सुअल डिसफंक्शन जो तीन टाइप के आते हैं। तो नॉर्मली सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो जो डायबिटीज़, मैंने जैसा बताया आपको कि डायबिटीज़ इज़ अ वास्कुलर सिंड्रोम, वास्कुलर डिसीज़, सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो इतना कॉमन नहीं होता है, बट डायबिटिक के पेशेंट्स में बाकी के पेशेंट से कॉमन है। आप यदि रिसर्च देखेंगे, संशोधन देखेंगे, तो 100 में से ऑलमोस्ट 40 लोगों को सेक्सुअल डिसफंक्शन डायबिटीज़ के पेशेंट में होता है। बहुत सारे पेशेंट बताते नहीं हैं, बहुत बार हम पूछते हैं पेशेंट को कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो मैंने जैसा बताया इरेक्टाइल डिसफंक्शन जहाँ पे इरेक्शन नहीं होता है। नंबर 2 प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, तो ऑर्गेजम होने के पहले ही आप सीमेन रिलीज करते हो तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, ये बहुत कॉमन होता है और उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, ये भी डायबिटीज़ के पेशेंट में कॉमनली होता है। और एक तीसरा है जो लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो जनरली ओबेसिटी में लेट ऑनसेट हाइपोगोनेडिज्म नाम का एक डिजीज होता है, जिसमें ओबेसिटी के वजह से जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग जो अल्ब्यूमिन्स है, मतलब जो प्रोटीन्स है, वो ज़्यादा हो जाते हैं और वो जो फ्री टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। तो उसको भी हमको पेशेंट को पूछना है कि आपकी इच्छा कम हो रही है क्या। तो ये तीन डिफरेंट डिसीज है, तीन डिफरेंट डिसीज के तीन डिफरेंट कॉजेस है और तीन डिफरेंट कॉजेस से हमको तीन डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना है। तो बेसिकली इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। yes. आप अपने डॉक्टर से खुल के इनके बारे में बात करना पड़ेगा। yes. इसमें संकोच ना करें, संकोच ना करें, मतलब मैं बताता हूँ कि मेरे पास अभी तक कम से कम 500,000 पेशेंट तो मैंने ट्रीट किया होगा और इसमें से हार्डली 1-2-3 पेशेंट को हमको पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के लिए भेजना पड़ा। सो आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पेशेंट हमको इजीली हम सेक्सुअल डिसफंक्शन और डायबिटीज के साथ में ट्रीट कर सकते हैं। सर एक और सवाल था कि जो डायबिटीज, जैसे आपका तो डायबी केयर इतना बड़ा यूनिट है और आपके पास किस तरह के टीम मेंबर्स हैं जो आपके पेशेंट का ख्याल रखते हैं? सो डायबिटीज इज ऐसा डिसीज है कि जस्ट अक्रॉस द टेबल ट्रीट करने जैसा नहीं है जी। तो हमको काफी लोगों की मदद लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि डायबिटीज एजुकेटर, तो डायबिटीज़ के बारे में पहले मेरे पास पेशेंट आने से पहले उसको काफ़ी सारी जानकारी दी जाती है, तो उसको हम डायबिटीज़ एजुकेटर बोलते हैं। उसके बाद मैं जब पेशेंट देखता हूँ तो उसके बाद पेशेंट को मेडिसिन समझाने वाला मेरा एक असिस्टेंट है, वो बताता है। थर्ड, उसके बाद यदि पेशेंट को इंसुलिन हम चालू करेंगे तो इंसुलिन टेक्नोलॉजिस्ट है। अच्छा। जो इंसुलिन देते हैं, पेशेंट को समझाते हैं आधा घंटा बैठ के। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, इंसुलिन चालू करने के बाद टाइट्रेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको ऐसा लगता है कि इंसुलिन दिया काम खत्म हो गया, लेकिन उसके डोज को एडजस्ट करते रहना, वो भी वो इंसुलिन एजुकेटर का काम रहता है, ऑप्टिमम लेवल पे। बाद में पोडियाट्रिशन हमारे पास है जो फुट के लेवल में काम करता है, जो ज़्यादा नेल का ग्रोथ हो गया, ड्राई फ्रूट है, या दोनों उंगली के बीच में इन्फेक्शन हो गया, कुछ छोटा मोटा जख्म हो गया, ये सारी चीज़ें, मतलब जो पोडियाट्री का काम, वो पोडियाट्रिशन करता है। बाद में हमारे पास लैब टेक्नीशियन, डेडिकेटेड एक डायटिशियन भी है। यस, डेडिकेटेड डायटिशियन भी हमारे पास। यस यस, डायटिशियन की भी बहुत तो बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। सर अभी हम लोग वी आर कमिंग टू द लास्ट फेज और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और एक्चुअली ये इतना बड़ा टॉपिक है कि हमारे आधे घंटे के शायद एपिसोड में कंप्लीट ना हो और जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम लोग आपसे फॉलोअप करेंगे। लेकिन जाते जाते जो लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और वो अपने फूड का केयर कैसे ले, क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिकली डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है कि वो नॉन रिवर्सिबल है। यदि नॉन रिवर्सिबल का मतलब मैं बताता हूँ, यदि किसी को डायबिटिक की वजह से हार्ट अटैक आ गया तो उसको एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं हम लोग, या बायपास कर सकते हैं और पेशेंट अच्छा जी सकता है। किसी को डायबिटीज़ की वजह से नेफ्रोपैथी हुआ तो उसको अच्छा डायबिटीज़ कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेंगे तो फिर बेसिकली उसका डायबिटिक नेफ्रोपैथी से नॉर्मल भी किडनी करा सकते हैं लोग। लेकिन डायबिटिक न्यूरोपैथी ऐसा सिम्टम है कि एक बार चालू हुआ तो रिवर्स नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है। तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी इंडिया में बहुत कॉमन है। 60% डायबिटीज पेशेंट को जनरली न्यूरोपैथी के कुछ ना कुछ सिम्टम होते हैं। सो न्यूरोपैथी ये लॉन्गेस्ट 9 में पहले चालू होता है डायबिटीज़ में, तो इसके लिए पहले पैर में प्रॉब्लम चालू होते हैं। तो पहले पैर में तुमको झुंझुनाट आना, टिंगलिंग होना, मतलब मुंगी जैसा आना,
जलन होना, ये पहले सिम्टम्स शामिल होते हैं जिसको हम लोग पॉजिटिव फेनोमेना बोलते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स बोलते हैं। तो पेशेंट को बहुत बर्निंग होता है, बर्निंग मतलब ज़्यादा बर्निंग की वजह से पेशेंट की नींद हराम हो सकती है, तो उसको हम पॉजिटिव सिम्टम बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को इमिडिएटली डायबिटीज़ का कंट्रोल टाइट करेंगे, जहाँ इंसुलिन की ज़रूरत है इंसुलिन देंगे, तो ऐसे पेशेंट को सिम्टम थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, बाद में आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। लेकिन ये पेशेंट्स यदि समझो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पॉजिटिव सिम्टम निगेटिव में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे पेशेंट को सेंसेशन लॉस होना चालू होता है। तो पेशेंट बोलता है कि मुझे नीचे ज़मीन नहीं समझ रही, मुझे ऐसा लगता है कि नीचे गद्दी है या नीचे कांटे है, तो मैं मुझे समझ में नहीं आता है। कुछ दिनों के बाद इस सेंसेशन से मोटर न्यूरोपैथी होती है, तो जो पैर के मसल्स होते हैं, जो हम चप्पल पकड़ते हैं उसको बोलते हैं मोटर मसल पावर, तो वो भी कम होता है, तो चप्पल पैर से छूट जाती है। और जैसे जैसे पैर चप्पल पैर से छूट जाती है तो पैर चप्पल पकड़ने के लिए उंगली दबा के पेशेंट चलने की कोशिश करता है, और बाद में उसको अल्सर होना चालू होता है। तीसरा चीज़ डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी करके और एक उसका कनेक्टिव डिसीज होता है, जिसमें जनरली 10 साल डायबिटीज़ का उम्र 10 साल होने के बाद इन लोगों में पैर के जो बाल होते हैं तो बाल निकल जाते हैं बेसिकली। उसके बाद उसके स्किन जो पैर मतलब नी जॉइंट के नीचे जब स्वेट ग्लैंड जो रहते हैं, घाम ग्रंथि जो बोलते हैं हम लोग, स्वेट्स बनाने वाले, वो भी काम कम करते हैं, तो स्वेट्स तैयार नहीं होता है। तो उसके वजह से पैर जो मुलायम रहने चाहिए, स्किन इंटैक्ट रहनी चाहिए, वो इंटैक्ट नहीं होती है, पैर ड्राई होना चालू होते हैं। तो आप यदि पैर डायबिटीज़ के पेशेंट का पैर देखेंगे तो उसके काफ़ी सारे क्रैक्स दिखेंगे आपको, ड्राइनेस दिखेगा, स्केलिंग दिखेगा। तो इन लोगों में बेसिकली बाद में बैक्टीरिया एंट्री करके सेलुलाइटिस एंड डायबिटिक फुट अल्सर होना चालू होता है, और बाद में एक बार अल्सर चालू हुआ तो फिर वो गैंग्रीन में कन्वर्ट होता है, और बाद में पैर काटने की एम्पुटेशन करने की जरूरत है। तो पूरा स्टेप वाइज प्रोग्रेशन है, स्टेप वाइज प्रोग्रेशन, तो हम लोग ख्याल भी ज्यादा रख सकते हैं। यस यस। अच्छा, तो एक नॉर्मल पर्सन अपने पैरों का ख्याल रूटीन में, जिसको अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कैसा रखता है, वो कैसे रखे? तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट हमको एक याद रखना है कि हमको यदि सेंसेशन नहीं है पैर के, तो हमको खुद को पेशेंट को देखना पड़ेगा। बहुत बार आपने देखा होगा आपके लाइफ में कि किसी को डायबिटिक फुट का अल्सर हुआ और वो वैसे ही फुट के अल्सर के साथ ही चलता है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्यों चलता है वो, क्योंकि उसका दर्द ही नहीं है, उसके पास दर्द ही नहीं है, तो प्रोटेक्टिव सेंसेशन नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन का मतलब हमारा पैर जो है, पैर का नीचे का जो हिस्सा है, तलवा जो बोलते हैं हम लोग, उसको हमको इंस्पेक्शन करना है हर दिन। उसमें देखना है कि मेरे पास ऐसे कुछ 2-3 पेशेंट आए थे कि रात में उनका एक उंगली पूरा उंदीर ने काट के लिया और उनको सुबह उठ के समझा। अच्छा। या कोई पेशेंट ऐसे पेशेंट आए थे कि जो बस से ड्राइवर के पीछे के सीट में बैठ गए और जो उसका पैर था पतरे के ऊपर था और पतरा गर्म हुआ तो पैर जल गया। तो बेसिकली ये क्यों होता है, लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन की वजह से। सो इंस्पेक्शन करना जरूरी है, आंख से देखना है कि मेरा पैर सही है कि नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज, दोनों उंगली के बीच में जो मतलब गंदा चीज जमा होता है, फंगस जमा होता है, तो उसको क्लीन करना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जैसा मैंने बताया कि आपके पैर के अंदर घाम ग्रंथि कम हो गए, आपका पैर मुलायम नहीं है, आपका पैर ड्राई हो रहा है, तो आपको सॉफ्ट क्रीम्स जो पैर को नरम रख सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आपको हर दिन लगाना है और लाइफ लॉन्ग लगाना है, और आपको उस पैर को मुलायम रखना है। तीसरा चीज, बेसिकली आपको सैंडल या शूज ही पहनना है, आपको पकड़ने वाले चप्पल शूज नहीं पहनना है या हाई हील चप्पल्स भी नहीं पहनना है आप जो पेशेंट्स को डायबिटीज़ है। और जब आपको शूज़ या चप्पल खरीदना है तो आपको शाम को खरीदना है, सुबह के टाइम पे नहीं खरीदना है, क्योंकि इन लोगों को डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से सूजन होता है पैर में, तो शाम को उनका 8 नंबर रहेगा, सुबह 7 रहेगा। अच्छा। तो हम लोग एक नंबर भी कम ज़्यादा करेंगे तो टाइट हो जाएगा, तो इसके लिए शाम को शूज़ खरीदना है, शाम को ही शूज़ खरीदना है। तो इन लोगों को डायबिटिक फुटवेयर, जहाँ पे MCR MCP नाम के चप्पल रबर हमारे पास हम देते हैं जो पेशेंट्स को जरूरत है, तो ये काफ़ी सारा चीज़ हमको बेसिकली इंस्पेक्शन और उसको अच्छी तरह से नेल कटिंग, उसके बाद में पैर का स्किन को मुलायम रखना, ये सब चीज़, मॉइस्चराइजर यूज़ करना, डायबिटिक फुटवेयर यूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अगर पूरा ऑप्टिमम केयर ले तो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी डायबिटीज़ के साथ भी बहुत अच्छी जी सकता है। मतलब ये कॉम्प्लिकेशन जो डरावने हैं इनका कुछ काफ़ी हद तक ख्याल रखा जा सकता है। सर, जाते जाते दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे फिर से याद आ गए। एक तो है कि स्मोकिंग, डायबिटीज़ और स्मोकिंग का कॉम्बिनेशन, आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है उसके बारे में, और ये जो रेकरेंट UTI होता रहता है डायबिटीज़ में, ये दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करें? तो बेसिकली पहला क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि
जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ इज इक्वलेंट टू इस्कीमिक हार्ट डिसीज़, मतलब एक आज डायबिटीज़ मुझे हुआ, मतलब मुझे आज एक हार्ट अटैक आके गया, तो मतलब इतना डायबिटिक पेशेंट प्रोन होता है। नॉर्मली 2 to 3 times नॉर्मल लोगों से डायबिटिक पेशेंट में हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। वैसे स्मोकिंग का भी वैसा है, तो स्मोकिंग जो स्मोकर है उसके भी 3 to 4 times चांसेस हार्ट अटैक आने के ज़्यादा रहते हैं नॉन नॉन स्मोकर्स के हिसाब से। तो जब ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो हार्ट अटैक के जैसे प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाते हैं। तो मैं सबको एडवाइस करूँगा यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे मेडीचार्ट पे कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो यदि टोबैको यूज़र है, नॉट ओनली स्मोकिंग बट ऑल टोबैको यूज़र्स, इन लोगों को टोबैको यूज़ करना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी आपके शरीर के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके जान के लिए खतरा है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जी तो बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन 2 type में जाते हैं, मतलब जो सुपरफिशियल फंगल जेनिटल इन्फेक्शन बोलते हैं हम लोग, वो बहुत बार ज़्यादा शुगर होने की वजह से होते हैं, या तो हम लोग अभी नया एक मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स, तो वो बेसिकली किडनी के ऊपर एक्ट करके यूरिन से शुगर बाहर निकालता है। अच्छा तो ऐसे लोगों में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। तो यदि आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आपको जरूर फर्स्ट शुगर टेस्ट करना है, यदि शुगर ज़्यादा रहेगी तो कंट्रोल करना है। यदि आपकी शुगर नॉर्मल है और फिर भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको आपके डॉक्टर को बात करना है, सो डॉक्टर कैन चेंज दैट मेडिसिन, जो ओके SGLT2 इनहिबिटर जो कल्प्रिट है फंगल इन्फेक्शन का। दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू गेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ज़्यादा कॉमन होता होते है। हैं। जी तो इसमें ऐसा है कि सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होते हैं, तो बहुत बार यूरिन आप चेक करेंगे डायबिटिक्स पेशेंट का तो बहुत सारे पसेस दिखेंगे। तो ऐसे सब पेशेंट्स को एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है, या कल्चर करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही समझो आपको ठंडी लग रही है, पसीना मतलब आ रहा है, या भूख कम हो गई है, जलन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो ये ऐसे पेशेंट्स को, या आप प्रेग्नेंट हो और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे पेशेंट्स को यदि रिपीटेडली हो रहा है तो हमको स्ट्रक्चरल डिसीज कुछ है क्या देखना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, तो इग्नोर ना करें। इग्नोर अगर ना करना रिकरेंट हो रहा चाहिए, है तो रिकरेंट हो आप रहा है अच्छी तो तरह से इग्नोर ना दिखा करना लें, ऐसे ना चाहिए। सोचें कि सिर्फ डायबिटीज है। यस 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 इग्नोर नहीं करना सर, चाहिए। आपने एक न्यूरोपैथी के बारे में बात की थी, तो क्या कोई हमारे वाइटमिन्स या कुछ प्रोटेक्टिव वाइटमिन्स वगैरह यस भी यस होते हैं क्या, जो हम प्रोटेक्शन के लिए ले यस सकें? तो नॉर्मली आप यदि सब संशोधन या गाइडलाइंस देखेंगे विटामिन एंड डायबिटीज का, जी सो ऐसे कोई भी विटामिन नहीं है कि डायबिटीज़ बहुत अच्छा कर सकते हैं, नंबर 1। ओके बट नंबर 2, जो हम डायबिटीज़ के मेडिसिन लेते हैं उसमें मेटफॉर्मिन नाम का एक मेडिसिन होता है जो सभी पेशेंट लेते हैं, 99% पेशेंट्स एक्चुअली मेटफॉर्मिन लेते हैं। तो मेटफॉर्मिन खाने की वजह से विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन अपने अन्न नलिका से कम होता है, और वही विटामिन B12 न्यूरोपैथी भी कॉज कर सकता है। तो ऐसे ओके पेशेंट्स को विटामिन B12 टेस्ट करने की ज़रूरत है, और उनको कंटिन्यूअस विटामिन B12 सप्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है, ओके क्योंकि वो मेटफॉर्मिन तो बंद नहीं करेंगे, जी तो कंटिन्यूअसली माल एब्सॉर्प्शन की वजह से उनको थकान आना, पैर में झुंझुनाहट होना, ये न्यूरोपैथी के सिम्टम आएंगे। तो अच्छा विटामिन B12 इज द ओनली विटामिन विच कैन बी सप्लीमेंटेड इन डायबिटिक सप्लीमेंटेड इन पेशेंट्स, डायबिटिक्स। अदर बाकी के जो है मल्टीविटामिन्स ये वो उसका कुछ भी रोल नहीं है डायबिटिक पेशेंट्स में। थैंक यू महेश सर, हमने इतना कुछ आपसे सीखा, एंड वी प्रॉमिस टू अगेन ट्रबल यू वेरी सून। बट जाते जाते अगर आप हमारे दर्शकों को और कुछ भी अपनी तरफ से कहना चाहेंगे तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू नो। ओके सो बेसिकली आपको यदि डायबिटीज है तो आप ABCDS ये 4-5 चीज देखना। ए मतलब HbA1c जो आपको 6.5 to 7 रखना है, बी मतलब ब्लड प्रेशर जो 130/80 के आसपास रखना है, सी मतलब कोलेस्ट्रॉल जिसमें LDL कोलेस्ट्रॉल 100 के नीचे रखना है, डी मतलब डायबिटीज़ आपका फास्टिंग शुगर 100 to 110 के आसपास रखना चाहिए, PP शुगर 200 के नीचे रखना चाहिए, ई मतलब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना 1 घंटा जरूरी है, और एस मतलब स्टॉप स्टॉप स्मोकिंग। सो यदि आप ABCDES के साथ जिएंगे तो आप आपके जो दोस्त जिनको डायबिटीज़ ने उनसे भी ज़्यादा साल जी वाह सकते हैं, नंबर 1। और लास्ट का एक सेंटेंस है, मैं ऐसा बताता हूँ कि ट्रीट डायबिटीज़ टू टारगेट लेवल एंड लिव लॉन्गर। सो मेरा लास्ट का सेंटेंस रहेगा ट्रीट डायबिटीज़ टू टारगेट लेवल एंड लिव लॉन्गर। सो यदि आप डायबिटीज़ को ट्रीट कर रहे हो और यदि आप टेस्ट नहीं कर रहे हो और टारगेट के ऊपर नहीं हो तो आपका ट्रीटमेंट कुछ भी फायदे का नहीं है। सो आप टारगेट पे ट्रीट करो, टारगेट डॉक्टर्स को पूछो, एंड यू कैन लिव लॉन्गर। थैंक यू सो मच थैंक यू ईशा। सो मच थैंक यू सो मच, इट वॉज सच लवली टॉकिंग टू यू, एंड वी लर्न सो मेनी थिंग्स इन स्पाइट ऑफ मी बींग अ डॉक्टर। इट गिव्स मी सच एन इमेंस प्लेजर दैट इवन आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू। गुड सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ टाइम, एंड
थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू सो मच।